हे हेलो एवरीवन वेलकम बैक तो एक बार प्लीज़ जल्दी से कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो दोनों जो है वो बिल्कुल क्लियरली जा रही नहीं ताकि हम लोग सेशन को स्टार्ट कर पाए फटाफट सारे लोग एक बार मुझे कंफर्म कर देंगे जल्दी जल्दी कंफर्मेशन दे दो क्योंकि ऑब्वियसली मुझे हमेशा की तरह सेशन जो है वो थोड़ी लेट से ही दिखाई देगा सारे लोग मुझे जल्दी से एक बार कंफर्मेशन देंगे कि सभी को ऑडियो वीडियो क्लियरली जा रही है नहीं ताकि हम लोग सेशन को स्टार्ट कर पाए प्लीज कंफर्म गाइस ऑल क्लियर जी ओके चलो बात करते हैं प्लस के प्लेटफॉर्म के बारे में अगर हम बात करते हैं और बात करते हैं हम आइकॉनिक के बारे में अगर ओके okay, हाँ चार्ज मुझे लगा लैपटॉप कहीं डिस्चार्ज ना हो गया हो ओके okay. प्लस और आइकॉनिक के बारे में बात करते हैं यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से मेंटरशिप जो है ये दी जाती है अगर कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत आती है यहाँ पे आपके एजुकेटर होते हैं यहाँ पे कोई मेंटर होते हैं जो आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से गाइड करने के लिए यहाँ पे मौजूद रहते हैं आपके लिए यहाँ पे लाइव क्लासेस होती हैं वीकली टेस्ट कराए जाते हैं प्रॉपर एनालिसिस कराया जाता है मॉक टेस्ट की सुविधा यहाँ पे अवेलेबल होती है सारे कोर्सेज आपको स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पे मिलते हैं मतलब कि क्या है एग्जाम की प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रॉपर तैयारी आइकॉनिक पे आपको वही पर्सनल गाइडेंस जो है वो आपको प्रोवाइड कराया जाता है आप लोग 27 फरवरी को एक्चुअली कॉम्बैट है तो उससे आप लोग मिस करना भूलिएगा मत बहुत सारे प्राइजेस जो है कॉम्बैट में मिलने वाले हैं आप लोग उसमें लैपटॉप है फोन है ईयरबर्ड्स हैं बहुत सारी चीज़ें हैं यूनिकॉन बैच जो है ये आप लोग के लो लिए लाया जा रहा है तो इस बैच को ज्वाइन जरूर कीजिएगा सेकंड मार्च से, से यूनिकॉर्न बैच जो है ये लाइव हो जाएगा सफलता बैच ऑलरेडी अभी करंटली यहाँ पर रन कर रहा है फ्री टेस्ट सीरीज जो है वो अभी अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर चल रहा है अगर आप लोग चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं चाहे क्या ज्वाइन करना ही चाहिए तुम लोग को फ्री टेस्ट सीरीज है सभी के लिए अलग अलग टाइम पे ठीक है आइकॉनिक को जैसे आपको पता है कि आस्क आस्क का डाउट के आपके पास ऑप्शन रहते हैं उसके साथ ही हैंड रेज ऑप्शन जिसमें आप डाउट अपने पूछ सकते हैं अगर कोई भी तकलीफ हो रही है कहीं भी तो उसके बाद कम आजकल तो ये भी हो गया ओपन हाउस सेशन हो गया जो कि यूट्यूब सेशन के जस्ट बाद होता है अगर कोई भी डाउट आपकी रह गई हो तो अपने एजुकेटर से आप बात कर सकते हो जूम कॉल की तरह समझ रहे हो चलो ओके इफ यू प्लानिंग टू एक सब्सक्रिप्शन से क्लास में फटाफट तरीके से और सारे लोग पहले क्लास को शेयर कर देंगे कमेंट सेक्शन तुम को क्या लगता है मैं कमेंट्स नहीं देखती हाँ हा? मुझे तो रहते हुए उसके बावजूद भी देख लेती हूँ बाद में ही मैं देख लेती हूँ तो चिंता मत करो तुम लोग, तुम लोग। आप ये वॉर रोक सकते हो जी हैं ये क्या है ओके <laughs> okay, पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पे है वो ये रहा आपके सामने पहला सवाल आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रांति की जननी के रूप में जाना जाता है इनमें से किसे हाँ इस बार ना मैंने पिक्चर डालिए लास्ट टाइम क्या हुआ था ना मैंने मैं पिक्चर डाल देती थी तुम लोग पिक्चर देख के एजम्शन मारते थे तो फिर मैंने भी चला की गरीब मैंने भी बहुत सारे पिक्चर्स यहाँ पे डाल रखे हैं जल्दी से बताओ फटाफट तरीके से किसे कहा जाता है भारतीय क्रांति की जननी के रूप में रानी लक्ष्मीबाई बाई अब झांसी भिगाजी रुस्तम कैमा या फिर एनी बेसेंट या सरोजी नाइडू जल्दी से यार ये टाइमर वाला ऑप्शन किधर आता है यार मुझे ना कल सर्च करके रखना होगा पहले तो फिर सेटिंग करनी होगी इसमें ताकि मैं के लिए ना वो टाइमर लगा पाऊं जल्दी से बताओ खान की बात है मैम तुम्हारे बाकी कमेंट्स पढ़े तो मेरे क्लास खत्म हो जो तुमने मेरे कमेंट्स किए हैं इतना तैयार के मैम आ जाती हो भाई तुमको तकलीफ है तो तुम घर बैठो ना तुमको कौन बोल रहा है देखने के okay, भारतीय क्रांति की जननी के रूप में तो तक आउटस्टैंडिंग लेडी ग्रेट करेज हिम्मत वाली बिल्कुल फेयरलेस કે પાશન કે સાથ ફ્રીડમ કી લડાઈ ઇહોને લડી થી ઇહોને اسકી શુરુઆત કરી થી ઉનહોને ભારત કે પહેલે તિરંગે ઝંડે કો હરે ભગવા ઓર લાલ ધારીઓ કે સાથ ઇનકો હી ડિઝાઇન કરને કા શ્રેય દિયા જાતા હૈ જિન પે અમર શબ્દ હોતે થે વંદે માતરમ જિन्होने પહેલે તિરંગા જિन्होने डिजाइन કરા થા વો કિસ રંગ કા થા હરે ભગવા ઓર લાલ ધારીઓ કા ચાલીએ આગે બઢતે હૈ ઇસકા જવાબ અગર તુમ લોકો ને ઢોડા મેં ડીલે કરકે દિયા तो तुम लोग की कुटाई निश्चित है क्योंकि यह सवाल जो है मैं कितनी बार करवा चुकी हूं क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चंस में भी आ चुके हैं निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे अरे गांधी इरविन पैक्ट किस दिन हस्ताक्षर हुआ था इस पे जल्दी से ब्यूटी विद ब्रेन शुक्रिया शेरोशायरी शायरी करना तुम लोग को हुं? जवाब दो यूक्रेन भेजेगा तुमको अभी उठा के यहां से अभी समझ रहे हो तुम चलो बताओ जल्दी से वेरी वेरी गुड पांच मार्च 1931 में कब पांच मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था तब उस टाइम पे वॉइस रॉय कौन था यहाँ का तत्कालीन जो वॉइस रॉय जो उस वक्त रहा था वो कौन था इरविन था तुमको याद है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस याद आ रहा है हुँ? अब मुझे बताओ ये जो टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस लंडन में हो रहा था ये लंडन में किस जगह पे हो रहा था ये तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे ये जो भाई साहब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था लंडन में ये किस जगह पे हुआ था तो ये भी मैं बता चुकी तुम लोगों को निम्नलिखित में से किसे क्रिप्स मिशन का प्राथमिक उद्देश्य दिया जाता ऑब्जेक्टिव क्या था क्रिप्स मिशन का सुनो मेरी बातों को ध्यान से विश्व युद्ध चल रहा था दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था पहले विश्व युद्ध में भी इन लोगों ने हमारी मदद मांगी थी हमसे मदद लिया था और हमारे लोगों को यानी कि हम ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत थे तो हमारे लोगों को भेज दिया था भैया अपनी तरफ से लड़ने के लिए खून बहाने के लिए जब द्वितीय विश्वयुद्ध जब चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था भैया एलेट पावर एक्सिस पावर के बीच में यही हालत हुआ था एक ने अटैक किया एक पर फिर वो उसके साथ हो गया वो उसके साथ हो गया और विश्व युद्ध छड़ गई हाँ अब यहाँ पर सिचुएशन ये रहा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इंडियंस को उसमें सम्मिलित कराएं इंडियंस जो हैं वो पार्टिसिपेट करें ब्रिटिश की तरफ से क्योंकि भैया हम ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत थे जिसका विरोध किया था किसने गांधी जी ने और जितने भी नेशनल लीडर्स थे उन सब ने इसका विरोध किया था कहा कि नहीं इंडिया जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो इन लोगों ने जिन्ना ने कहा हाँ हाँ करेगी 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 तो जिन्ना के कहने से क्या होता है नहीं नहीं करेंगे तो अच्छा अब इसके बाद सिचुएशन ये रही कि इन लोगों ने कहा कि हम आपका संविधान बनाने में आपकी मदद करेंगे क्या बोला हम आपकी संविधान क्योंकि याद है तुमको ना 1934 में इसको मुझे बड़ा दो पेन को चौंतीस में एम एन रॉय के द्वारा मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा ऑलरेडी संविधान की मांग जो थी वो की जा चुकी थी कि हमें अपना संविधान चाहिए जो 1935 में इन लोगों ने अपना एक बना बनाया संविधान थोप दिया था अब जब वर्ल्ड वॉर सेकंड का टाइम आया तो इन लोगों ने कहा कि भैया हम आपके इंडिया का संविधान बनाने में आपकी मदद करेंगे तो इंडियन लीडर्स ने कहा कि भैया तुम यही बात हमसे तुम पहले भी कहते थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर भी लेकिन तुम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया तो तुम्हारी बातों को नहीं मानेंगे तो हमें मनाने के लिए कि हम वॉर में पार्टिसिपेट करें ये लोग लेके आते हैं भैया ऑगस्ट ऑफर भेजते हैं उन्नीस में जो रिजेक्ट हो जाता है क्रिप्स मिशन भी जो था इसी ऑब्जेक्टिव के साथ इंडिया में लैंड करता है जिसमें स्टफर्ड क्रिप्स जो थे 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 ये क्या भैया लीड कर रहे थे इस कमिटी को तो इसका जवाब क्या होगा टू परसन इंडियन लीडर्स टू सपोर्ट द ब्रिटिश वॉर एफर्ट इंडियन लीडर्स को मनाने के लिए कि आप भी आइए और अपने लोगों को खून बहाने के लिए बॉर्डर पर भेजिए क्योंकि लड़ाई तो भैया हम लड़ रहे हैं लेकिन उसकी बदली में आपकी जान जाएगी खैर ये भी रिजेक्ट ही हो गया था क्रिप्स मिशन के आइडियाज जो थे वो मुस्लिम लीग को पसंद नहीं आए थे और उसको रिजेक्ट कर दिया गया था बाद में आती है कैबिनेट मिशन ओके चलिए आगे बढ़ जाइए आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसने वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करी थी भैया ये वही सेंट्रल हिंदू कॉलेज है जिसे आज आप जानते हैं बीएचयू के नाम से बनारस हिंदी हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जिसे आप जानते हैं इसकी संथापना सबसे पहले किसने की थी अब ये ये जो मैंने मैंने में आ दिया है सबसे है सबसे कंफ्यूजिंग एक्चुअली पूछा सं किसने करी थी इसमें एक दो लोग हैं जो उसमें संस्थापना में शामिल थे लेकिन फाउंडेशन किसने रखा था ये तुम्हारा सवाल थोड़ा सा घुमा हुआ ये रहा अरे जितनी भी लोग सेशन में उपलब्ध हैं कृपया करके सेशन को एक बार आप लोग लाइक कर दें ठीक है चलो अब बताओ मेरे को ए ए ए ए, ए, ए बहुत, बहुत 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 बढ़िया गाइस जल्दी से एक लाइक कर दो तुम लोगों को टैक्स तो नहीं लग रहा है लाइक करने में टैक्स तो नहीं लिया जा रहा है तो फिर लाइक करने में इतनी कंजूसी क्यों हो रही है हां जी मदन मोहन मालवीय ने इसका क्या किया था फाउंडेशन रखा था किन के साथ मिलके एनी बेसेंट के साथ मिलके अच्छा ओके मैम ठीक है एनी बेसेंट को किस आर्टिकल के अंतर्गत नागरिकता प्रोवाइड करी गई थी जब हमारा भारत आज़ाद होता है जब इंडियन सिटीजनशिप एक्ट आता है तो किसके अंतर्गत इनको नागरिकता प्रोवाइड करी गई थी कुछ दिनों पहले ही वाई स्टडी टू पॉइंट ज़ीरो पे जो छः बजे आप लोग की पॉलिटी की क्लास होती है मंडे टू थर्सडे उस पर मैंने इसको बताया था तो so, जो जो लोग रेगुलर स्टूडेंट्स हैं कृपया करके जल्दी से मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब का नाम पढ़ के नोट डाउन करके रखूंगी ट्रस्ट में फाइन okay. <laughs> किया था क्या सेंट्रल हिंदू कॉलेज में स्थापना की थी और इसी कॉलेज को बाद में नाम क्या किया गया इसका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में क्या सुकून है ना वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर गंगा की आरती शहर में ही सुकून है बिल्कुल चलो आगे बढ़ते हैं किस साल में पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को एडॉप्ट किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा किस साल में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूरी तरीके से पूर्ण स्वराज को एडॉप्ट किया था सत्ताईस में अट्ठाईस में उनतीस में या तीस में इसका तो हंड्रेड परसेंट जवाब होना चाहिए गाइस तुम लोग को नहीं लगता आर्टिकल सिक्स 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 दैट ग्रेजन नेम त्रिपाठी ही इज से बोलो और तुमने खुद इंग्लिश में नहीं लिखा है वट का यू आर यू आर नाट स्टडी दिन स्टडी ना वाय कल को बोलोगे मैम अलग अलग भाषाएं जो है बाय क्लास चल रही है तो ले लीजिए क्या फर्क है जो इंग्लिश में बोल रहे हैं बोलने के लिए अंग्रेजी में वो खुद अंग्रेजी में नहीं लिख रहे उस चीज को वाह तुमको मेरा ही सर ने मिला था लगाने के लिए त्रिपाठी है चलिए बताएंगे सारे लोग जल्दी जल्दी सी 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू इट्स नाइन वेरी वेरी गुड गाइस क्या था इसका नाइनटीन ट्वेंटी नाइन यार अब तुम इन सारी चीजों में अगर इसमें करोगे ना तुमको याद नहीं आ रहा है यही वही दिन था भाई साहब जिस दिन क्या कहा गया था 26 तारीख का वो दिन लाहौर सेशन का वो वक्त जब स्वराज रेजोल्यूशन को पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को कांग्रेस के द्वारा पारित किया गया था ठीक है आगे बढ़ जाएगी आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे देखो संविधान सभा बैठती है मैंने आपको बताया था उसकी मीटिंग के बारे में बताया था ठीक है अब जब ये संविधान सभा जब पहली बार जब इसकी मीटिंग होती है तो इसमें किसको परमान इसको अध्यक्ष रखा गया था परमानेंट अध्यक्ष दूसरे आते हैं सबसे पहले एडल्ट फ्रेंचाइज मेथड से जो सबसे बड़े होंगे है ना एडल्ट फ्रेंचाइज मेथड के थ्रू क्या होता है कि जो भी सभा में जो सबसे एल्डेस्ट सबसे बड़े होंगे उनको अध्यक्ष रखा जाता है टेम्प्री अध्यक्ष दो तो तीन दिन के लिए उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी बन जाते हैं परमानेंट तो इसका जवाब क्या होगा सचदानंद सिन्हा Got it. तो बोलो हाथ उठा के जय माता दी हम लोग को समझ में आ गया क्या यार तुम लोग नींद आ रही अभी देखिए यहाँ पे 9 दिसंबर को इनकी फर्स्ट मीटिंग हेल्ट होती है, है जहां पे सिद्धांत सिन्हा को बनाया जाता है क्या फर्स्ट प्रेसिडेंट इसका ठीक है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का इसके बाद परमानेंट बनाया जाता है इनको राजेन्द्र प्रसाद जी को 11 तारीख को ओके okay. आगे बढ़िएगा इन में से किसे धर्म चक्र कहा जाता है ठीक है इट्स नॉट मेथोलॉजी विष्णु हिंदू धर्म में विष्णु भगवान is not written in mythology. सही बात है कोई भी नहीं है। इसे किताबों ने हमें पढ़ा पढ़ा के बस बना दिया है कि मेथोलॉजी है इट्स मेथोलॉजी बुक महाभारत नो इट्स नॉट ठीक है बताइएगा वो चक्र जो वेपन की तरह इस्तेमाल होता है लॉर्ड विष्णु के द्वारा या पहला सर्मन जो महा महावीरा जैन के द्वारा या फिर वो चक्र जिसके में ट्वेंटी फोर स्पोक्स हैं जो कि भाई साहब हमारे इंडियन फ्लैग में है या फिर इनमें से कोई भी नहीं चलो जल्दी से जवाब दो सारे के सारे जितना मुश्किल गर्लफ्रेंड पटाना है उतना ही मुश्किल ये डेट याद करना है नहीं बालक डेट याद करना ज्यादा आसान है बताती हूं क्यों गर्लफ्रेंड तो छोड़ के चली जाएगी एक दिन एक तो मुश्किल से पटाओगे पहले तो देखोगे कि हाय कौन पसंद आ रही है कौन पसंद नहीं आ रही है पहले उसको ढूंढोगे देखोगे मनाओगे गिफ्ट दोगे डेट पे लेके जाओगे उधर तो घूमोगे अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब करोगे माता पिता की दिए हुए पैसे को उसके ऊपर वेस्ट करोगे घर से बोलोगे झूठ बोलोगे कि भैया हमको कॉलेज में फीस देना है उसके लिए पैसे मंगाओगे फिर गर्लफ्रेंड को दोगे फिर पता चलेगा कि जा गर्लफ्रेंड जो है कुछ दिन बात नहीं की वो कहीं और चली गई या बात कर रहे हो तब भी वो कहीं और चली गई लेकिन ये जो डेट्स अगर तुम याद कर लिए ना तो एग्जामिनर बोलेगा वाह ये है हीरा अपना जिसे पूरे डेट्स डेट्स याद है क्योंकि तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे और ये डेट्स याद करने, को तुम्हें को करने के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें किसी को बार बार मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी समझ लो दिमाग का इस्तेमाल बस थोड़ा सा मेहनत बस, बस और कुछ नहीं और ये हमेशा तुम हमेशा हमेशा तुम्हारा साथ देगी तो बताओ सबसे ज्यादा लॉयल सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा हुआ ये डेट्स हुई ना हाँ तुम इसको याद रखना इन शॉर्ट मेरा जीवन कोरा कागज रह गया ग्रेट वन चलिए बताएंगे सेवन के सी 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 वेरी गुड गाइज बहुत अच्छे भाई साहब धर्म चक्र हमारे लिए वही है जो क्या है चौबीस पोक हमारे यहाँ चौबीस चक्रिया जो हमारे यहां है वही तो है इंडियन फ्लैग में हमारे तिरंगे में चलिए आगे बढ़िएगा कौन सा कमांडर इन चीफ जो था 1902 और 1909 के बीच में जिसने लार्ज स्केल पर रिफॉर्म्स लाए थे और मर्ज किया था तीनों आर्मीज को प्रेसिडेंसीज की यूनिफाइड फोर्स में मतलब किसका क्या है मैम तीन प्रेसिडेंसीज थी ये जब अंग्रेज जब आए थे ना ये गोरे लोग तो तीन प्रेसिडेंसीज बना के रखते थे ठीक है जिसमें कौन-कौन सा था बंगाल ठीक है बॉम्बे और मद्रास ठीक है अब इस टाइम पीरियड पे 1902 से 1909 के टाइम पीरियड पे इनमें से कौन सा भाई कमांडिंग चीफ था जो बोला कि इन तीनों प्रेसिडेंसीज की जो आर्मी है जो तीन आर्मीज हैं इन तीनों प्रेसिडेंसीज की इन तीनों को हम मर्ज कर देते हैं कौन था है वो इसका नाम ना थोड़ा सा अजीबोगरीब है मतलब प्रोनाशिएशन जो है ना इसके नाम का थोड़ा अजीबोगरीब है हमारे यहाँ ना ये सब नाम को थोड़ा अलग तरीके से बुलाते हैं ठीक है जल्दी बताओ चार्ल्स मोनरो फिर ये ना किचरर समथिंग लाइक दैट ठीक है यही है चलिए आगे बढ़ते हैं

वो जो मोटे वाले जो शीट्स आते थे वो हम लोग दो से तीन एक्स्ट्रा शीट्स लेते थे और वो लिखने की प्रैक्टिस फास्ट लिखने की प्रैक्टिस जल्दी 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 पढ़ना और लिखना क्योंकि लॉ में एक तो तुम केस बताओगे पहले तो तुम उसको डिफाइन करोगे वो चीज़ कहता क्या है फिर उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दोगे कि उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था क्या उस कानून का फिर कानून का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देने को तुम कुछ उसके जो केसेज हुए थे उसको कोट करोगे किस साल में वो केसेस हुए थे केसेस में हुआ क्या था उस केस में कौन गवाह था क्या हुआ था केसेस का फिर केसेस का जो जस्टिफिकेशन जो आया डिक्री जो ऑर्डर पास हुआ वो उसने क्या कहा उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स और कोट करोगे कि अगर फ्यूचर में ऐसे कुछ चीजें होती हैं और उनमें कुछ सिनारियों अगर चेंज हुए तो फिर क्या होगा उसके बाद इन लोगों का नाम याद करो भाई <laughs> तो अगर ट्रिक्स नहीं रहे ना मजाक मस्ती वाले तो फिर पता चलता है कि शू ओके <laughs> बताइए अगला सवाल का जवाब ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जमींदारियों के माध्यम से भू राजस्व की वसूली को क्या कहा जाता था प्लस वाले बच्चों आज ही मैंने तुम लोग को यह पढ़ाया है आज ही मैंने ये पढ़ाया है को। तुम लोग और एकदम क्लियर तरीके से समझा समझा के पढ़ाया शपथ तो तुम्हें उस क्लास की जल्दी जवाब दो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे ठीक है जो जमींदार होते थे ये लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे किसके बिहाफ में ब्रिटिशर्स के बिहाफ में ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहाफ में इसे क्या कहा जाता था जल्दी से बताएंगे सारे लोग जल्दी से हम्म सारे लोग लाइक करते जाएंगे बालक सुनो उसका नाम था परमानेंट सेटलमेंट अब ध्यान से सुनना मैं जो समझाने वाली हूँ उसको ध्यान से भी तुम लोग बस सुनना कॉनवेलिस आया कॉनवेलिस ने कहा कि भैया हमको कुछ रिफॉर्म करना चाहिए अकबर के टाइम पे उनके एक लैंड रेवेन्यू के काम में देखते थे राजा टोडरमल हम इसकी कुछ शुरुआत करें तो जमींदारों की कि जमींदार आए कैसे थे टोडरमल से उसके बाद उस टाइम पे ये लोग क्या करते थे कि ये लोग खुद जाके रेवेन्यू कलेक्ट करते थे लैंड से पहले जमीनें किसी की नहीं होती थी पहले किसी का मालिकाना हक नहीं होता था जमीन पहले राज्य का मालिकाना हक होता था सल्तनत का मालिकाना हक होता था फिर धीरे धीरे ये लोग उस पर जो फार्मर्स जो उस पर काम करते थे अगर कि किसी भी राज्य के पास के वैसा कहाँ से आता कि तुम जो मूवीज में देखते हो अनाज भंडार में अनाज खत्म हो गया कहाँ से आ रहा है अनाज महल के अंदर थोड़ी उगा रहा है अनाज वो राज्य की जमीनें हैं जो पे किसान जो काम कर रहे हैं फिर उनसे ये लोग टैक्स के रूप में वसूलते थे या तो क्रॉप या फिर कैश के फॉर्म में वसूलते थे जो टैक्स था ठीक है ये जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या किया इन लोगों ने कहा कि यार हमने हमें दीवानी राइट्स तो मिल गई बंगाल बिहार उड़ीसा की याद है ना ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद बैटल ऑफ बक्सर के बाद हाँ जी उसके बाद इन्होंने कहा कि यार अब हम तो नहीं जा सकते हर जगह लैंड रेवेन्यू वसूलने के लिए तो इन्होंने कहा कि क्यों नहीं हम जमीदार्स रखते हैं जमींदार्स बोले तो कुछ ऐसे एजेंट हम लोग रखेंगे जो हमारे बिहाफ में टैक्स कलेक्ट करेंगे तो इन लोगों ने बोली लगवाई सबको बैठवाया और बोली लगवाई और बोला कि जो सबसे ज्यादा सपोज समझ लो कि किसी ने कहा कि भैया लखनऊ के बारे में ठीक है किसी ने कहा लखनऊ के बारे में किसी ने कहा बंगाल के बारे में बोला कि तुम कौन है जो लखनऊ से सबसे ज्यादा टैक्स जो है हमें जमीन पर लाके दे सकता है उस जमीन से लाके कितना ज्यादा हमें कोई अनाज किसी ने कहा कि भैया हम सौ किलो ला के अनाज दे सकते हैं उस जगह से किसी ने कहा कि भैया हम एक हजार क्विंटल निकाल के ला के दे सकते हैं ठीक है तो कहा जो हजार क्विंटल ला के हमें उस जगह से दे रहा है उसको हम जिम्मेदारी आज देते हैं बिग बॉस की तरह उसको चाबी जो है वो थमा दी जैसे बिग बॉस में नहीं होता एक वो जो आता है उसमें जिसको मन करा उसको ले आओ जिसको मन करा निकाल दो और जब कभी कभार ऐसा होता था या तो ये क्रॉप के रूप में लेते थे या फिर ये कैश के रूप में लेते थे कभी कभार ऐसा हो जाता था कि मान लो सुखाड़ पड़ गया अकाल पड़ गया बारिश नहीं हुई या बारिश ज़्यादा हो गई फसल डूब गई तो अब किसान क्या होता था किसान सही इनको मिल नहीं पाता था तो वहां से जन्म होता साहूकारों का क्योंकि अगर ये ब्रिटिशर्स को पैसा उतना नहीं देते जितना डिसाइडेड था तो ब्रिटिशर्स क्या करते वहां से निकाल के किसी और को बैठा देते जैसे बिग बॉस में करते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री ले आओ फिर उसको निकाल दो एग्जैक्टली कुछ वैसा करते तो वहां से जन्म होता है मनी लेंडर्स का साहूकारों का जन्म होता है अब ब्रिटिशर्स की यहाँ पर गलती ये थी कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे अपना शेयर तय कर लिया था लेकिन उस वक्त के टाइम पे जमींदारों का शेयर तय नहीं किया था बाद में आगे चल के ग्यारह करते हैं परमानेंट सेटलमेंट को सनसेट लॉ के नाम से भी जाना जाता है किस लॉ से सनसेट लॉ के नाम से जाना जाता है इसे बोला जाता था क्या सनसेट लॉ भी कहा जाता था क्योंकि सूरज ढलने से पहले तुम्हें वो पैसे या फिर अनाज जो है वो तुम्हें पहुंचाने हैं अगर तुम नहीं दे पाओगे तुम्हारी जगह कोई और दे पाएगा तो मैम इसे परमानेंट सेटलमेंट क्यों कहा गया भाई साहब इसे क्योंकि ये जो ये लोग, थे कि जो से लोग कर जमीन का, ये दस साल के टाइम पीरियड के के तो तो होने वाला है नहीं अब तो ये क्या ये तो है बिल्कुल तरीके से होगा तो आगे आगे चल के क्या होगा और बढ़ेगा लेकिन ये घटेगा तो है नहीं आगे चल के रोतवारी सिस्टम आता है फिर महलवारी सिस्टम आता है ये सिचुएशन है ये चलती है चलिए आगे बढ़ जाइए कौन सा वर्ष भारत के मुस्कुराते हुए बुद्ध के लिए जाना जाता है <laughs> यार ये हिंदी ट्रांसलेशन जो लेता है ना स्माइलिंग बुद्धा कौन सा यह जाना जाता है स्माइलिंग बुद्धा के नाम से गाइस क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को ऐसे ही रोज क्लास लेते रहो अच्छा हाँ ठीक है चलो सारे लोग एक बार सेशन को जल्दी जल्दी एक बार लाइक कर देंगे सारे लोग जल्दी से फटाफट -फड़ तरीके से सेशन को एक बार लाइक कर देंगे यार तुम लोग शेयर करो सेशन को क्या करते हो दिन भर जो फेसबुक चलाते हो टेलीग्राम चलाते हो इंस्टाग्राम चलाते हो हाँ वेरी वेरी गुड गाइज बहुत वेरी गुड आगे बढ़ो भारत का आखिरी वॉइस रॉय कौन था ये जो है ना अंग्रेज यही जिम्मेदार थे भारत में जो इतना मारा मारी हुआ इतने लोग मारे गए कैलकटा किलिंग डे अनाउंस किया गया जिन्ना के द्वारा मुस्लिम लीग के द्वारा जिसे डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से भी जाना जाता है इतने लोग मारे गए ये इन लोग की हैस्टी विड्रॉल की वजह से हुआ है अगर ये लोग यूँ एक तो हमें दो ऑप्शन दे रहे हैं कि भैया या तुम तो छोड़ के जा रहे हैं या तो इनको रोक लेते तो हमेशा रुक जाते तो इनको छोड़ के जाने के लिए तुमने तो इतना सब कुछ किया बताओ कौन था जल्दी से बताओ जल्दी से वेल हैस्टिंग माउंट बैटन या फिर नॉर्थ ये था कौन भैया माउंट बैटन तुमको याद नहीं है ये जो माउंट बैटन था जब सारी जो ये रियास्ती वाले लोग हैं नवाब राजा सल्तनत वाले लोग थे जो खुद बैठ के पेंशन खा रहे थे ब्रिटिशर्स की जब भारत हमारा आजाद हुआ जब हमारा संविधान बन रहा था तो इन लोगों ने भारत का पार्ट बनने से इनकार कर रहे थे क्योंकि इनकी तो रियासत चली जाती क्योंकि इनको तो डेमोक्रेसी चाहिए नहीं थी इनको तो घर बैठे बैठे बस पैसे चाहिए थे इनको क्या सा मतलब है डेमोक्रेसी से इनको क्या मतलब था तो संविधान बनने से इनके लिए थोड़ा तो और नुकसान था पेंशन बंद हो जाएगा अब जो हकदार होगा भैया वही आएगा जिसमें टैलेंट होगा मेरिट होगा अब तो सिर्फ वही आएगा तो ये लोग चाहते नहीं थे तो फिर उनको मनाने के लिए पटेल साहब ने इसे ही बुलाया था माउंट बैटन को बोला था कि भैया तुम जाने से पहले एक बार थोड़ा समझाओ इन रियासती वालों लोगों से और यही वो इंसान है बहुत सारी चीजों का इसके पास श्रेय जाता है डिवाइडेड रूल पॉलिसी विड्रॉल ये इसी इसी इंसान के तमगे के नाम है चलो ये देखो यहाँ पे दो सीमाओं के आयोग स्थापित किए थे इसने अपने कार्यकाल के दौरान पे पाकिस्तान ने कश्मीर पर छापा मारा और महात्मा चलो आगे बढ़ जाओ यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व तो मुंबई के मूक नायक यानी के नेता के प्रकाशन के रूप में जाना जाता है मुंबई के किस पर्सनालिटी को जानते हैं मूक नायक के रूप में लीडर ऑफ साइलेंट के नाम से गर्मी काफी हो रखी है चलिए साइलो बताइएगा आजकल हिस्ट्री में हाँ ये बात तो है सारे लोग मूक नायक के रूप में जाना जाता है इन्हें बॉम्बे से बाबा साहेब फाउंडिंग फादर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स वन ऑफ गिरता है हमेशा ठीक है? चलिए आगे बढ़ जाइए राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है स्टेट रिओर्गेनाइजेशन एक्ट जो है ये किस साल आया था स्टेटों को अलग अलग करने की क्या जरूरत पड़ी क्या दरकार पड़ी स्टेटों को अलग करने की जगह पे पहली बार जो आधार उठा देखो हुआ क्या ना थोड़ी ये थोड़ी बंदर टाइप वाली सिचुएशन हो गई जैसे कि पाकिस्तान हमसे अलग हुआ वो हमें तोड़ के गए इतनी सारी चीजें फिर अंदर अंदर सिचुएशन अलग अलग होनी शुरू हो गई हर गली मोहल्ले में आ, मांग उठनी शुरू हो गई कि भैया हमें भी अलग राज्य चाहिए हमें भी अलग राज्य चाहिए भाषा के आधार पर ये वो लोग जो कि पहले एक जैसे अच्छे तरीके से रह रहे थे पहले कोई तकलीफ नहीं थी किसी को किसी से सब अच्छे से रह रहे थे ढंग से फिर जाने कहाँ से ये भाषा का विवाद जो है ये निकल के आ गया और बोले कि हमें भाषा के आधार बंटवारा चाहिए पहले लीडर जो कि निकल के आए वो थे रामलू जिन्होंने डेज का अनशन रखा था और सरकार ने आनन फानन में किया बंटवारा जिस राज्य को आप जानते हैं आज आंध्र प्रदेश के नाम से ये वही आंध्र प्रदेश है जो आखिरी राज्य बनता है वापस बंटवारा होने वाला 2014 में जो कि तेलंगाना के रूप में अलग होता है ठीक है पहले बहुत सारी कमिटीज आई थी जिससे पूछा गया था कि आप लोग सर्वे कीजिए और देखिए क्या कि वाकई हमसे अलग होना चाहते हैं लोग क्या भाषा के आधार बंटवारा करना चाहते हैं दो कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था एस के धर कमेटी आई थी एस के धर कमेटी जो थी वो पहली आई थी जिसने सर्वे की और बोला कि भैया भाषा के आधार बंटवारा जो है वो पॉसिबल नहीं है अब न्याय के आधार बंटवारा कीजिए सिक्योरिटी प्रशासन के आधार बंटवारा कीजिए सब चलेगा ठीक है इसके बाद एक कमेटी आती है जीवीपी कमेटी जैसे जवाहरलाल नेहरू बी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पत्ता भाई सीतारामैयाद पत्ता भाई सीतारमैया गांधी जी के कैंडिडेट सुभाष चंद्र बोस जी के खिलाफ जो खड़े हुए थे सेशन में हाँ जी तो इन दोनों कमेटी ने बोला था कि नहीं होगा लेकिन बाद में जब राममल्लू वाला जब इंसिडेंट हुआ उसके बाद जब बैठाया गया तो बोला कि हाँ फैजल अली आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर बंटवारा हो सकता है जिसके बाद आपका ये अधिनियम पास हुआ था राज्य पुनर्गठन अधिनियम जिसके तहत बहुत सारे राज्य जो है उसका बंटवारा हुआ जैसे कि बॉम्बे गुजरात पहले एक था कुछ गुजराती बोलने वाले लोग थे कुछ मराठी बोलने वाले लोग थे वो अलग हुए आ, ये फिर क्या कहते हैं तुम्हारा पंजाब हरियाणा से अलग हुआ ऐसे करके बहुत सारे राज्य जो थे ये अलग हुए ठीक है चलो इतने हिंट के बावजूद भी वेरी गुड क्या हो रहा है मैं चली जा रही हूँ तो फिर ऐसा कैसे हो जा रहा है ठीक है वेरी गुड हाँ 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 तुम लोग का मन बहुत भटकता है बहुत बढ़िया एग्जामिनर नहीं सुनने वाला है कि तुम्हारा मन कहां भटका था बोलेगा जब दिव्या बढ़िया समझा रही थी तब तुम्हारे मन तुम्हारा मन कहां चल रहा था बालक कूट दिए जाओगे गधो पढ़ लो तुम लोग सही से पढ़ो चलो ओके <laughs> okay. आगे बढ़ो लॉर्ड मायो जो है एक मायो रेजोल्यूशन लाया गया था 1870 में ये रिलेटेड था किससे मायो रेजोल्यूशन जो लाया गया था किस चीज से रिलेटेड था लोकल प्रशासन से या फिर डिसेंट्राइजेशन पावर का डिसेंट्रलाइजेशन फाइनेंस सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस का या दोनों सही है या दोनों में से कोई भी सही नहीं है देखो एक तो नहीं होगा चलो मैं हिंट देती हूँ फिफ्टी फिफ्टी कहते हैं सी या डी तुम तुमने के लिए केबीसी के जैसा फिफ्टी फिफ्टी बताओ जल्दी से सी या डी बता दो बच्चा भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश जो आखिरी भी हुआ 2014 में तेलंगाना में बालक आय शबाश सी 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 जिसे डी बोल रहे हो ना तुम लोग कुटाओगे बहुत फुर्सत से कुटाओगे तुम लोग ठीक है मायो जो है १९७० का इसने संकल्प जिसने है क्या कहा था भैया इसका इन दोनों चीजों से संबंधित था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से और डिसेंट्रलाइजेशन पावर का और फाइनेंस का चलो आगे बढ़ो भारत में नेशनल लिबरल फेडरेशन किस साल पे फॉर्म हुआ था जल्दी से बताओ भारत में जो नेशनल लिबरेशन फाउंडेशन था ये किस साल पे हुआ था फॉर्म क्लास को तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो क्यों नहीं कर रहे हो मैं जानता था कमेंट सिर्फ मैं ही छाई रहेंगे अच्छा तुम तो फॉर्चून टेलर निकल गए यार बता दो फिर भविष्य के बारे में भी पहले से जानते थे यस इट्स नाइनटीन इससे तो मुझे कुछ और याद आ रहा है चल आप मुझे जल्दी से बताओ कि 1919 19 में और कौन कौन सी घटनाएं जो थी वो हुई थी जल्दी से बताना चलो मोपाला रिबेलियन जो है किस शहर में हुआ था मोपाला रिबेलियन पहले भी मैंने इसके बारे में आपको लास्ट क्लास में ही मैंने आपको बताया था इसके बारे में कब लगता है मन पढ़ने में जरा बताओ तो एक डेट दे दो मेरे को एक टाइम दे दो फिर हम लोग ना मिलकर मोहरत निकालेंगे जिन तुम बोलोगे कि हाँ मैम आज तो हम लोग पक्का पढ़ने का मन कर रहा है आज हमारा जो है मन लग रहा है जल्दी से बताओ चलो में इसका पहले नाम जो था वो क्या था त्रवणकोर भी हुआ करता था हम बात कर रहे हैं किसके बारे में केरला के बारे में देखो मोफाल रिबेलियन जो है मालाबार का रिबेलियन था एक्सटेंडेड वर्जन था किसका खिलाफत मूवमेंट का खिलाफत मूवमेंट तुमको याद आ रहा है भैया जिसकी वजह से खिलाफत मूवमेंट की वजह से गांधी जी ने बोल दिया था कि हाँ मुस्लिमों के लिए अलग सेपरेट इलेक्ट्रेट होगा जिसे कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है उनको लगा था कि खिलाफत मूवमेंट होने वाला है हिंदू मुस्लिम सारे साथ मिलकर लड़ेंगे सब सपोर्ट करेंगे इन चीजों में और उन्होंने मंजूरी दे दी थी इसकी कि हाँ ठीक है जिन्ना की मांग को लास्टली कैदों के एक फरमान तरीके से मिल गया था पहले तो भैया मोर्लियामेंट और रिफॉर्म आया लेकिन क्या ही फायदा हुआ क्योंकि किसी ने उसकी बातों को सुनना नहीं था किसी ने नहीं सुनना था जब ये हुआ तो बस चलिए आगे बढ़ जाइए आपको बताना है इंडिया का फर्स्ट आईसीएस ऑफिसर कौन रहे थे सतेंद्र नाथ टैगोर शिव सिंह उदय सिंह या फिर आनंद शंकर रावे बताइए आपने हम देखा किसी को मुर्गा बने हुए नहीं हम वेजिटेरियन इंसान हैं हम नॉन वेज से बहुत बहुत दूर रहते हैं हैं हम शुद्ध शाकाहारी आदमी हैं और कुछ थैंक यू समर ओके हा वेरी वेरी गुड मुझे लगा पता कि तुम लोग कोई ना कोई तो कंफ्यूज होंगे कोई ना कोई लेकिन वेरी गुड एक दो बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं बी डी कह रहे हैं लेकिन असल में इसका जवाब क्या है सत्येंद्र नाथ टैगोर गुड पहले आईसीएस ऑफिसर रहे थे इन्होंने पहले थे जिन्होंने ज्वाइन जौन किया था इंडियन सिविल सर्विस फर्स्ट इंडियन जिन्होंने ज्वाइन किया था क्या इंडियन सिविल सर्विस 1864 के टाइम पे ठीक है चलो अगला सवाल थोड़ा सा बड़ा है गाइस आप लोग सवाल देखिए जस्ट गिव मी अ सेकंड ओके okay. गले में थोड़ी सी खराश जैसी हो रही थी ना आगे बढ़िएगा हमारे प्रधानमंत्री में से एक जो है आई के गुजराल उन्हें प्रपाउंड किया था एक डॉक्टराइन नाइनटीज के टाइम पे जिसको गुजराल डॉक्टराइन के नाम से भी जाना जाता है आखिर गुजराल डॉक्टराइन में था क्या भैया इंडिया के व्यू थे साउथ एशिया रीजन के बारे में एक इकोनॉमिक एंटिटी के बारे में और मल्टी लेटरल ट्रेड कंसेशन के बारे में या फिर इंडिया ने ऑफर किया था क्रिएट करने के लिए साउथ एशिया में फ्री ट्रेड रीजन को इस डॉक्टराइन के तहत या फिर इंडिया ने साइन किया था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को स्मॉलर नेबर के साथ जो कि सक्सेसफुल हुआ था स्पेशली साइनिंग विद श्रीलंका ना या फिर इंडिया ने ऑफर किया था यूनी कंसेशन और बेनिफिट अपने सारे पड़ोसियों को उनसे बिना एक्सपेक्ट किए हुए बिना कुछ भी एक्सपेक्ट किए हुए कि भैया तुम भी हमारे प्रति कुछ ऐसा ही करोगे ठीक है जल्दी से बताइए क्लास को जल्दी से शेयर कर दोगे तुम लोग डी 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 अरे गजब कौन बोल रहे कि मैं तुख् तो मार रहा हो नहीं चलो ठीक है कम से कम सच्चाई बोली रही कोई बात नहीं जाओ माफ किया तुम्हें चलो ठीक है

बताओ जल्दी से ये अच्छा राइम किया ना यार गाइस सारे लोग एक बार क्लास को जल्दी जल्दी शेयर कर देंगे और लाइक करेंगे वेरी गुड डी 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 नहीं, नहीं पर्सनल कोचिंग नहीं दे रही हूं मैं तो किसकी टेलीग्राम आईडी बता के बहका रहे हो तुम आई दिव्या नाइनटी फोर बोल के भाई मेरी दिव्या त्रिपाठी एडीवी है एडवोकेट का एडीवी है क्या भड़का रहे हो तुम तो लोग वो तब से कॉपी पेस्ट करके हैं क्यों वो प्रिया एंजल प्रिया हो गया तुम लोग वेरी वेरी गुड इट्स डी चलो हांगकांग भाई बहुत सारे एंजल प्रिया के ऊपर पढ़ा निकल जाता है वो चलिए है आगे बढ़ जाते हैं देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा हांगकांग में एक था आग्रो जो है जापनीज टीमशिप थी जिन्होंने सेल करना शुरू किया था कहाँ से ब्रिटिश हांगकॉग से उन्नीस में और भैया कहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे कैनेडा में चलिए आगे बढ़ते हैं ब्लीडिंग मद्रास जो है ये रिलेटेड है इनमें से किस से ब्लीडिंग मद्रास जो है इवेंट जो हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उस टाइम पे जो पहला सॉरी वॉर हुआ था इंडिपेंडेंस का उससे रिलेटेड है एक न्यूजपेपर है जो कि ब्रिटिश में पब्लिश हुआ करता था या एक टाइप का क्लोथ है या एक टाइप का प्लांट है ब्लीडिंग मद्रास तो करने के लिए शब्द ही बहुत काफी है सारे जल्दी जवाब देंगे देख रही हूं बड़े सारे लोग कंफ्यूज में कंफ्यूज है भाई क्यों क्या हो गया भैया ये सवाल तो तुम लोग का प्रीवियस ईयर में भी आया था फिर का का ए टाइप ओफ, टाइप ऑफ ऑफ क्लोथ उसको नाम दे दिया क्या ब्लीडिंग मद्रास चलो आ जाओ इस दूसरे सवाल पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश गवर्नर जनरलों में से किसने 1784 में विलियम जोन्स के साथ एसेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की संस्थापना करी थी फटाफट से हम लोग क्लास खत्म करेंगे जल्दी सारे लोग जो हैं कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे मुझे मैंने क्या पूछा है एसेटिक सोसाइटी की किसी के साथ मिलकर करी थी जल्दी बताओ सी सी नहीं क्लाइव नहीं, 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 नहीं अरे हैस्टिंग था भैया कैसे कंफ्यूज हो रहे हो हैस्टिंग था चलिए आगे बढ़िए इसी ने इसी ने डुअल गवर्नमेंट जो बंगाल में जो चल रही थी उसको एंड किया था और इंट्रोड्यूस किया था पिट्स इंडिया एक्ट और इसी ने फाउंड किया था एसेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ठीक है जोन के साथ मिलके अच्छा बताओ इनमें से 1882 में किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपेल किया था इसके नाम से ना कोलकाता में एक रोड भी है जल्दी बताएंगे सारे लोग <laughs> ये मैंने जिस एग्जाम्पल के तौर पे दिया पार्क स्ट्रीट के पास ही पड़ता है रिपन लिटन एलगिन टू या फिर कर्सन बोलोगे यार मैम एलगिन भी तो रोड है वहाँ पे

कि भैया स्थानीय भाषा में प्रकाशित समाचार पत्रों को भी स्वतंत्रता जो है वो दी जाएगी समझे आप लोग आगे बढ़ जाइए किस वॉइस वी के तहत कैपिटल जो था ब्रिटिश इंडिया का वो शिफ्ट किया कलकत्ता से दिल्ली जो तुम लोग पहले कोलकाता थी इनकी ये राजधानी तो इनमें से किस वॉइस रॉय के रहते हुए में इनके दरम्यान पे कलकत्ता से जो राजधानी थी वो दिल्ली शिफ्ट होती है 1911 के टाइम पीरियड पे जल्दी से बताएंगे सारे लोग मैम मीटअप करें अच्छा और कुछ हाँ जल्दी बताओ भैया हार्डिंग टू के टाइम पे क्यों इतना कंफ्यूजन आ रहा है नहीं लेकिन मैक्सिमम बच्चों का जवाब जो वो सही हुआ है मुश्किल से दो तीन बच्चे जो होंगे बस उनका छोड़ दूँ अगर मैं तो मैक्सिम बच्चों का जवाब जो है वो सही आ रहा है हार्डिंग टू के टाइम पे शिफ्ट हुआ था कलकत्ता से दिल्ली 1911 के टाइम पे आगे बढ़ जाओ मुझे बताओ कि वेयर डिड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ एम एन रॉय जो थे, थे जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की संस्थापना करी थी ये वही इंसान है जिन्होंने सबसे पहले अपने संविधान की मांग की थी 1934 में सबसे पहले जो अपने संविधान अपना संविधान बनने के लिए जिन्होंने मांग की थी वो कौन थे एम एन रॉय थे इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने इसको मूव किया था लेकिन पहले ये थे ये जब मैक्सिको गए थे तो वहां भी जाके इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की संस्थापना करी थी तुम लोग पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे बताओ हमको जरा नहीं मन कर रहा है तारीफ सुन लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ी देर बाद देखना ट्रोलिंग भी आना शुरू हो जाएगी थोड़ा सा बस ये है आ ही रहा होगा बीच बीच में बहुत सारी ट्रोलिंग आ रही होगी अच्छा लोगों को नहीं बता वो आ, नहीं वो एक मीम वगैरह चलता था कमोलिका टाइप थोड़ा सा वो बनने का अच्छा लड़कों को भी मैंने देखती बड़ा शौक होता है लड़कों को भी देखने का अरे बाल कर्ल्स था अच्छा बाल स्ट्रेट था ओके तुम लोग कितना ध्यान देते हो यार मैम को अपनी जिंदगी जी नहीं तुम लोग पढ़ाई करो थोड़ी देर मतलब क्या है ना कुछ मन नहीं लग रहा वो ऐसी वाले हरकत जो आंटियों वाली नहीं होती बाजू वाली आंटियों वाली अरे है उसकी बेटी जो है ना वो यहाँ जा रही थी खुद की बेटी नहीं देख रही कि बगल वाले घर से भाग के गाने गल गई है पढ़ नहीं रही है बैठ के वो नहीं होता जैसे बगल वाली आंटी लोगों का देखा उसको वो बैल्कनी में ऐसे झुक के नीचे देख रही थी आज पता उसने खाचल लगा के बाहर गई थी वैसा टाई वाला की आंटी को वैसे से कोई काम नहीं हो रहा कि करे तो करे क्या चलो किसी की बुराई करते हैं तो तुम लोग मुझे लग रहा है ना पता नहीं क्यों ये नेगेटिव छवियाँ जो है ये तुम लोग में आ जाती हैं कभी कोई ट्रोलिंग वाली जिसको मन कर रहा उसको ट्रोल कर दो कोई जवाब नहीं दे रहा उसको ट्रोल कर दो कोई मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसको ट्रोल कर दो क्यों खुशी मिलती है मत करो चलो ताशकंद एक यहां पे इन्होंने क्या करा था स्टैब्लिश करा था कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में जो क्या था, में था. फाइल किसने, किसने देखी है? अभी तो एक मूवी भी आ रही है कश्मीर फाइल्स बोल के चलिए ताशकंद फाइल देखा किसी ने चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग आपको बताना है कि हु फाउंडेड इंडिया पार्टी शविक 1939 में कलकत्ता में एनडी मजुमदार ने एम एन रॉय ने सी आर दास ने या फिर अजीत राय ने फटाफट सारे लोग बताएंगे नहीं बालक क्यों डिलीट हो जाएगा भाई जल्दी बताओ आज का आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा आपके सामने तो सारे लोग जो भी लैपटॉप कंप्यूटर जिग के सामने और फोन के सामने बैठे इसका जवाब दो बहुत हो गया तुम लोग की भौकाली अब इसका शांति से जवाब दो जल्दी से <laughs> कौन कह रहा है सीआर कैसे कह रहे हो मेरा बच्चा नहीं नहीं तारीफ करना चाहिए दैट्स ठीक है तारीफ करो मजाक है ठीक है कुछ लोग ट्रोलिंग पर भी आ जाते हैं ठीक है, है? जल्दी से बताओगे सारे लोग सीआर दास नहीं है सी आर दास नहीं है अरे भैया तुम लोगों को कैसे कंफ्यूजन हो सकता है मैं बात कर रही हूं इंडियन पार्टी जो बॉरिशिक था नाइनटीन थर्टी नाइन में एनडी मजुमदार के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था कलकत्ता में बात आई समझ में चलो तो कल मिलेंगे आपसे हम चार बजे भी मिलेंगे हम आपसे आपके लूसेंट के एमसीक्यू के साथ कल हम लोग मिक्स मिक्स क्वेश्चन जो हैं वो हम लोग करने वाले हैं उसके साथ ही रात को दस बजे भी आप लोग के साथ हम लोग मिलने वाले हैं ठीक है ठीके? तो मिलते हैं फिर कल भी ओके okay गाइस चलो बाय-बाय टेक केयर बाय-बाय टेक केयर एवरीवन यार ये मेरा स्लाइड्स क्यों नहीं आ रहा है चलो ठीक है कोई नहीं सबका सबका मैंने सबका नाम लिया तो मेरे लोग सारे बहुत-बहुत बहुत-बहुत प्यारे बच्चे हो थैंक यू एवरीवन गाइस एंड थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट अगर आप लोगों ने चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल वीडियो में अगर आप लोग कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं थैंक यू गाइस थैंक यू एवरीवान बाबाई टेक केयर गुड नाइट शिवरात्रि चलिए